प्रसिद्धि एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम कंप्यूटर की खोज कैसे हुई शुरुआत में कैसी मशीन थी उसके बाद कंप्यूटर कैसे अस्तित्व में आया ये सब पहलू के बारे में चर्चा करने वाले हैं इसमें हम शुरुआत में देखें तो कंप्यूटर की खोज कैसे हुई थी द ग्रोथ ऑफ़ कंप्यूटर इंडस्ट्री स्टार्टेड विद द नीड फॉर परफॉर्मिंग फास्ट कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन है उसके लिए अलग अलग तरह की मशीनों की खोज हुई थी और उसमें से बाद में कंप्यूटर बनाया गया था द मैन्यूअल मेथड ऑफ कंप्यूटिंग वॉज स्लो एंड प्रॉन टू एरर्स जो पहले मैन्युअल जो सिस्टम थी कंप्यूटिंग अकाउंटिंग की वो बहुत ही स्लो और आ, एरर से भरी हुई भी थी तो हमारा जो लक्ष्य था वो ये था कि ऐसे कैलकुलेटिंग डिवाइस को बनाया जाए जिससे फास्ट और जो एक्यूरेसी है वो भी हमें मिले द जर्नी देट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबासकस हैज़ लेड अस टुडे टू एक्सट्रीमली हाई स्पीड कैलकुलेटिंग डिवाइसेस जो अबासकस था वो अबासकस के बाद जो मशीन की खोज होती गई उससे आज हमें बहुत ही हाई लेवल के कैलकुलेटिंग डिवाइसेस मिल रहे हैं तो आज हम शुरुआत करते हैं कि कैलकुलेटिंग डिवाइस में कैसे कौन कौन से जनरेशन कंप्यूटर के पहले थे और कंप्यूटर कैसे अस्तित्व में आया यहाँ पर अपने जो पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स वो है पहले हम आबासकस के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद नेपियर्स लॉक्स एंड बॉन्स के बारे में उसके बाद उसके बाद, बाद फ्रेंड्स हम लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे लेवनीच कैलकुलेटर और जेस्कॉट्स लूम और जो मेन जो कंप्यूटर जिससे बनाया गया वो है डिफरेंस इंजिन एंड एनालिटिकल इंजिन और जो पहला कंप्यूटर था वो था मार्क वन इन सभी जो कंप्यूटर्स के बारे में हमने बताया वो मशीन हर हर एक मशीन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे जिसमें पहला है फ्रेंड्स अबासकस जो अबासकस है ये फ़ोटो आप देख सकते हो जो विकिपीडिया से लिया हुआ है ये जो है वो मेसोपोटेमिया के जो लोग थे उन्होंने 3000 साल पहले ही बिफोर क्रिस्ट 3000 थाउजेंड ईर्स अबासकस की खोज की थी और ये अबासकस जो होता है वो ये बीट्स जो होते हैं वो बीट के मूवमेंट के हिसाब से काउंट होगा और इसमें जो नंबर है वो डिजिट और डिजिट की जो पोजीशन है उस पोजीशन से हमें कैलकुलेशन में हेल्प करता है अबासकस के बारे में देखे फ्रेंड तो अबासकस वाज डिस्कवर्ड बाय द मैसोपोटीमियंस इन अराउंड थ्री थाउजेंड बी एंड अबासकस कंसिस्टेड ऑफ बीट्स ऑन मूवेबल रोड्स डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स यर इज़ द फिगर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स वॉज डन बाई यूजिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर्स एंड पॉजिशन ऑफ ब्रेड्स इन एन अबासकस यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है बेटा वो है अबासकस का इसकी खोज जो है वो मैसोपेटमिया जो के लोग थे इन्होंने तीन हजार साल पहले की हुई थी और ये आ, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की जो मैथेमेटिकल प्रोसीजर है उसमें हेल्प करता है जिसमें ये जो है वो डिजिट की वैल्यू पर डिपेंडेबल रहता है और पोजिशन के हिसाब से ये जो बीट्स है उसको काउंट किए जाते हैं इसको और बेहतरीन बनाने के लिए द चाइनीज फर्दर इम्प्रूव ऑन द एबैस्कस सो दैट कैलकुलेशन कुड बी डन मोर इजीली जो चाइनीज़ लोग थे उन्होंने एबासकस को और इम्प्रूव किया ताकि जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से और स्पीडली की जाए आज भी जो ये अबेस्कस है वो जो यंग बच्चे हैं उनके लिए कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट है आगे हम देखिए तो इन अबेस्कस इच रो इज थॉट ऑफ एस टेंस प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रो नंबर वन रिप्रेजेंट इज वंस कॉलम एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट्स टेंस प्लेस यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो ये पहली कॉलम है ऐसे कॉलम आगे बढ़ती जाएगी पहली जो कॉलम है वो कॉलम जो वंस का जो प्लेस है पहली कॉलम वंस का प्लेस लेगी और सेकेंड कॉलम जो है वो टेंथ का लेगी ऐसे अगर हंड्रेड है तो आगे बढ़ती जाएगी थाउजेंड है तो उसके आगे कॉलम की जो नंबर्स है वो बढ़ते जाएंगे द थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट्स हंड्रेड्स ऑफ प्लेसिस एंड शो ऑन द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द टॉप बीड्स रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ फाइव यहाँ पर जो बीड है वो वैल्यू ऑफ फाइव डिस्प्ले करती है एक की वैल्यू फाइव हो जाएगी और बिट्स एंड इज ऑलवेज टू द टॉप वॉल ऑफ द वाइल द लोअर बिट्स रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ वन विल ऑलवेज बी पुश्ड टू द लोअर वॉल एज स्टार्टिंग पोजिशन ये यहाँ से काउंटिंग होती जाएगी और हमें उसके हिसाब से uh, डिजिट को सेट करते जाना है इसके बाद जो Uh, हमने डिस्कस किया वो था नेपियर्स लॉग एंड बॉन्स हमें लॉग टेबल के बारे में पता है और लॉगेरिदम जो हम बोलते हैं वो लॉगेरिदम जो है वो uh, जॉन नेपियर द्वारा 1617 में डेवलप किया गया था ही डिवाइज सेट ऑफ नंबरिंग रोड्स नॉन एज नेपियर्स बॉन थ्रू विच बोथ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन कुड बी परफॉर्म्ड आप अबासकस में याद रखना अबासक की जो मैथमेटिकल प्रोसीजर है वो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एबैस का इस्तेमाल किया जाता है जब नेपियर लॉग के बारे में बात की जाए तो नेपियर लॉग में याद रखना कि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूजफुल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यहाँ पर क्या होता है दीज वेयर नंबर रोड्स विच कुड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय अ नंबर इन द रेंज ऑफ टू टू नाइन ये यहाँ पर पूरा जो मशीन है वो दिया गया है और हमें ये मशीन के आधार से ये कैल्कुलेशन करता है ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर का एनी नंबर का कोई भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन टू से नाइन की रेंज तक किया जाता जा सकता है देर आर टेन बॉन्स कॉरस्पोंडिंग टू द डिजिट जीरो टू नाइन एंड देर इज़ ऑल्सो अ स्पेशियल इलेवंथ बॉन्ट इज यूजड टू रिप्रेजेंट द मल्टीप्लायर यहाँ पर जो दस बॉन्स है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और इलेवंथ वाला जो है वो मल्टीप्लायर को दिखा सकता है ध्यान रखिएगा ये जो नेपियर्स लॉग एंड बॉन्स जो ये मशीन है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस्तेमाल होगी और आ, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेंज में होगा टू से नाइन की दस टेन बॉन्स होते हैं जो डिजिट दिखाते ज़ीरो टू नाइन का और इसके अलावा ग्यारहवा जो बॉन है वो मल्टीप्लायर को दिखाएगा बाय प्लेसिंग बॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मल्टीप्लायर ऑन द लेफ्ट साइड एंड द बॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिजिट ऑफ द मल्टी अप्लीकेशन ऑन द राइट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कैन बी ईजीली ऑप्टेन ये टू नंबर की प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता था इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पास्क लाइन की पास्क लाइन का जो हर एक का पिक्चर दिया हुआ है आप ध्यान रखिएगा ये हमने विकिपीडिया से लिया हुआ है पास्कलाइन जो है पास्कलाइन जो है वो ब्लेज पास्कल याद रखिएगा जो फ्रेंच मैथेमेटिशियन था उन्होंने ब्लेज पास्कल जो फ्रेंच मैथेमेटिशियन थे उन्होंने ये पास्कलाइन मशीन की जो खोज है वो 1642 में की गई थी और इसमें गियर का इस्तेमाल किया गया था नंबर को ऐड करने के लिए ये मशीन जो है वो मशीन एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए यूज़फुल थी और कैरी फॉरवर्ड की प्रोसेस इसमें थी दूसरा ये जो काम करता था वो क्लॉक मकैनिज़म प्रिंस, प्रिंसिपल जो है उसके हिसाब से करता था और आप और इसके लिए हमें ये जो व्हील्स है वो व्हील्स को आ, रोटेशन करना पड़ता था पास्कलाइन Blaise Pascal, a French mathematician, invented an adding machine in 1642 that was made of gears and was used to adding numbers quickly. This machine was also called Pascaline and was capable of addition and subtraction along with carry transfer capability. It worked on the clockwork mechanism principle. इट कंजिस्टेड ऑफ वेरियस नंबर्ड टू थील्स हैविंग यूनिक पॉजिशन वैल्यू द एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन ऑपरेशन वेयर परफॉर्म बाय कंट्रोल रोटेशन ऑफ दिस व्हील्स ये व्हील का रोटेशन कंट्रोल करके हम एडिशन और सबट्रैक्शन का को फाइंड कर सकते थे याद रखिएगा एबेस्कस जो था फिर से रिपीट कर देता हूँ एबेस्कस जो था वो एबेस्कस दो मैथमेटिकल के लिए इस्तेमाल होता था एक था एडिशन और दूसरा था मल्टीप्लिकेशन उसके बाद हमने नेपियर के बारे में डिस्कशन किया वो नेपियर जो लॉग था वो नेपियर लॉग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता था और अभी हम पास्कलाइन की बात कर रहे हैं वो पास्कलाइन एडिशन और सब के लिए इस्तेमाल होता है इसके बाद हम करेंगे लेमनिट्स कैलकुलेटर लेमनिड जो कैलकुलेटर है पिक्चर आप देख सकते हो आ, ये सोलह में गॉटफ्राइड फ्राइड अ जर्मन मैथेमेटिशियन के द्वारा बनाया गया था और ये जो था वो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जैसे पास्कल पास्कलाइन जैसे काम करता था उसी हिसाब से करता था और ये मल्टीप्लिकेशन किस थियोरी पर करता था तो याद रखिएगा रिपीटेड एडिशन जो रिपीटेड एडिशन की जो थियरी है जैसे किसी नंबर का रिपीटेड एडिशन हम करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है उसी थियोरी पर ये कैलकुलेटर काम करता था पिक्चर आप देख सकते हो इन 1673 गॉटफ्राइड लेपनीज अ जर्मन मैथेमेटिशियन एक्सटेंडेड द कैपेबिलिटीज ऑफ द एडिंग मशीन इन्वेंटेड बाय पास्कल टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल जो पास्कलाइन जो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था वो एडिशन uh, और सबट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता था याद रखिएगा जो पास्कलाइन ब्लेज पास्कल द्वारा जो मशीन 1642 में बनाई गई थी ब्लेज पास्कल के जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 1642 में पास्कलाइन को बनाया था लेकिन वो मशीन जो थी वो एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए और कैरी ट्रांसफर कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करती थी अभी लेमनीज ने वही थियरी का इस्तेमाल करके पास्कल जो बनाया था पास्कलाइन उसी का ही लेकिन यहाँ पर क्या परफॉर्म कर रहा है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ध्यान रखिएगा द मल्टीप्लीकेशन वॉज डन थ्रू रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर्स यूजिंग अ स्टेप्ड सिलेंडर इच विथ नाइन टीथ ऑफ वेरिंग लेंथ्स ये याद रखिएगा मल्टीप्लीकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन से हो रहा था और उसके लिए किसका इस्तेमाल किया गया था तो स्टेप्ड सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया था जिसमें नौ टिथ यानी कि इसका इस्तेमाल किया गया था लेंथ को खोजने के लिए इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे जैकवाड्स लूम जैकवाड्स लूम में आप देख लीजिएगा ये सारी फोटोज जो भी है वो विकीपीडिया से ली गई हैं। ये जैकवाड्स लूम जो है हमें पता है लूम जो कॉटन होता है वो कॉटन को जो उसमें पंचिंग किया जाता है कॉटन वीविंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कितने हम वीव का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए एक प्रोग्राम का इन्वेंशन हुआ था और प्रोग्राम की जो हिस्ट्री है हिस्ट्री में जो पहला प्रोग्राम इन्वेंट हुआ था वो यही है कि जैकवाड्स लूम इसमें क्या किया गया था जो कॉटन कौर, का वीविंग प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिकली हो उसके लिए जोसेफ जैकवाड जो थे उन्होंने पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था और 1801 में ये लूम्स को कैसे कंट्रोल करें उस हिसाब से प्रोग्राम बनाया था और ये हिस्ट्री में सबसे पहली इन्वेंशन थी इन ऑर्डर टू मेक द कॉटन वीविंग प्रोसेस ऑटोमेटिक जोसेफ जेकवाड डिवाइज पंच कार्ड्स एंड यूजड देम टू कंट्रोल लूम्स इन 1801। जीरो वन द एंटायर ऑपरेशन वॉज अंडर अ प्रोग्राम्स कंट्रोल थ्रू दिस हिस्टोरिक इन्वेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन स्टार्टेड Uh, अगर स्टोरिंग और uh, हम जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर uh, में डालते हैं वो सेव हो और हमें वो वापस भी मिले यानी कि स्टोरिंग और रिट्राइविंग अगले वीडियो में हम ये सब सीखेंगे क्या होता है स्टोरिंग क्या होता है रिट्राइविंग जब डेटा हम इंसर्ट uh, करते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमें वो वापस लेना है तो उसको उसके लिए कोडिंग चाहिए तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही जैकवाड्स लूम में इस्तेमाल हुआ था जोसेफ जैकवाड के द्वारा अठारह में है ना तो ये जो पहला प्रोग्राम भी बोल सकते हैं द एंटायर ऑपरेशन वॉज अंडर प्रोग्राम्स कंट्रोल ये जो पूरा कॉटन वीविंग की प्रोसेस थी उसको प्रोग्राम के थ्रू किया गया था जैकवाट्स लूम में अब जो मेन हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट uh, पार्ट जो कंप्यूटर इन्वेंशन में हमें अभी जो छोटे छोटे कंप्यूटर टैबलेट हो या फिर लैपटॉप uh, हो ये सब कैसे मिले तो उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हैं डिफरेंस एंजिन एंड एनालिटिकल इंजिन हम सब जानते हैं कि वो इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर है ना तो हम सबके मुंह पर तुरंत नाम आ जाएगा चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज कौन थे तो वो भी मैथमेटिशियन ही थे इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1822 में एक डिफरेंस इंजन बनाया था यहाँ पर दो इंजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अट्ठारह में चार्ल्स बेबेज की जो एक इंग्लिश गणित शास्त्री थे उन्होंने एक डिफरेंस इंजिन बनाया था वो डिफरेंस इंजिन कैसा था तो वो मैथमेटिकल फंक्शन जो होते हैं वो मैथेमेटिकल फंक्शन को डायरेक्टली कर सकता था सॉल्व कर सकता था किसी इक्वेशन हो तो इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकता था और उसके बाद उन्होंने 1833 में पूरे 11 साल के बाद एक एनालिटिकल इंजन बनाया जो एनालिटिकल इंजन बनाया है वही अपने ये मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं याद रखिएगा और ये इतना परफेक्ट था कि वो जो फोर एरिथमेटिक ऑपरेशन है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वो सारे डायरेक्ट किसी ह्यूमन के इंटरफियर के बिना और उसके बाद प्रोसेसर मेमोरी स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी वो परफॉर्म करता था uh, हम डिफरेंस इंजन के बारे में पहले देख लेते चार्ल्स बेबिज एन इंग्लिश मैथेमेटिशियन डेवलप्ड मशीन कोल्ड डिफरेंस इंजिन इन 1822 ट्वेंटी टू विच कूड कैलकुलेट वेरियस मैथमेटिकल फंक्शन डू पॉलिनोमियल इवोल्यूशन बाय फिनाइट डिफरेंस एंड थियोरेटिकल कूड अल्सो सॉल्व डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस ये जो डिफरेंस इंजिन था वो डिफरेंस एंजिन जो मैथमेटिकल फंक्शन थे उनको कैलकुलेट कर सकता था और थियोरेटिकल भी उसको प्रूव कर सकता था इसके बाद मैंने बताया ना पहले डिफरेंस इंजिन आया था अठारह में चार्ल्स बेबेज के द्वारा आई और उसके बाद ग्यारह साल बाद अठारह में चार्ल्स बेबेज डिजाइन द एनालिटिकल इंजिन विच लेयर ऑन प्रूव टू बी द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर जो चल रहे हैं वो यही एनालिटिकल इंजिन के थ्रू चल रहे हैं दिस मशीन कुड परफॉर्म ऑल द फोर एरिथमेटिक ऑपरेशन एज वेल एज कंपेरिजन इट इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसर मेमोरी स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस ये सभी को एनालिटिकल इंजिन जो था वो परफॉर्म करता था इसके बाद इसी में ही आगे देखें तो ये जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कैसे करें पहले ये सब इतना इजी नहीं था ये आप कंप्यूटर भी देख सकते हो कितना बड़ा है इंजिन जो है कंप्यूटर का वो तो ये जो एनालिटिकल uh, इंजन है वो एनालिटिकल इंजन जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफाइड भी कैसे करते वो भी करता था uh, ये द एनालिटिकल इंजन वाज नेवर बिल्ट एट दैट टाइम बेबेज एस्टाब्लिश द बेजिक प्रिंसिपल ऑन विच टूडेज मॉडर्न कंप्यूटर्स वर्क ये जो एनालिटिकल uh, इंजन है वो उस समय बनाया नहीं गया था लेकिन उसके जो प्रिंसिपल है जो चार्ल्स uh, बेबेज ने लिखे हुए थे बनाए हुए थे वो अभी के जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें काम कर रहे हैं बोथ दिस ग्रेट इन्वेंशन अर्न हिम द टाइटल ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स इसीलिए हम जो आधुनिक कंप्यूटर हैं उनके पिता के तौर पर चार्ल्स बेमेज़ को मानते हैं और आप याद रखिएगा डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन आगे हम बात करेंगे नाइन्टीन फोर्टी फोर की ध्यान रखिएगा जो पहला कंप्यूटर है वो अपना आएगा मार्क वन पहला कंप्यूटर जो है वो अपना मार्क वन है ये पिक्चर आप देख सकते हो कि इसकी साइज कितनी बड़ी है इन 1944 प्रोफेसर होवार्ड एकन इन कोलाब्रेशन विद आई कंस्ट्रक्टेड एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड मार्क वन विच कोड मल्टीप्लाई टू टेन डिजिट नंबर इन फाइव सेकेंड्स टेन डिजिट नंबर जो है दो टेन डिजिट नंबर को वो पाँच सेकंड में सॉल्व कर सकता था मार्क वन याद रखिएगा जो पहला कंप्यूटर है इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। ध्यान रखना किसने बनाया किसके द्वारा बनाया गया था नाइनटीन फोर्टी फोर में प्रोफेसर होवार्ड एकेन uh, और आई दोनों ने कोलोब्रेशन में रह के ये मार्क वन बनाया था जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था और इसकी अगर हम uh, एबिलिटी बताएं तो वो है वो दस डिजिट वाले दो नंबरों का जो कैलकुलेशन है वो फाइव सेकेंड में करके देता था दिस मशीन वॉज बेज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेबे एनालिटिकल इंजिन एंड वॉज द फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल परपोज कंप्यूटर विच कूड एग्जीक्यूट प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली विथाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन ये जो पहला कंप्यूटर था वो मार्क वन बेबेज़ के जो एनालिटिकल इंजिन के जो थाट थे उनके ऊपर बनाया गया था और ये पहला कंप्यूटर जो था जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना हमें आउटपुट मिल रहा था इन 1945 डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन प्रोपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर हम आगे बढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे वॉन न्यूमैन प्रोसेस क्या होती है वो थियोरी क्या है उसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं लेकिन याद रखिएगा 1944 में जो पहला मार्क वन कंप्यूटर बनाया गया था वो प्रोफेसर होवार्ड एक्न और आईबीएम के कोलोब्रेशन में बना था और उसकी स्पेशलिटी क्या थी तो वो दो दस डिजिट वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करता था फाइव सेकेंड में और इसके पीछे थियरी किसकी इस्तेमाल हुई थी कॉन्सेप्ट किसका इस्तेमाल हुआ था तो बेबेज के जो एनालिटिकल इंजिन का जो कॉन्सेप्ट था वो इस्तेमाल किया गया था उसके बाद 1945 में डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमॉन ने आ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया स्टोरेज जो मेमोरी स्टोरेज होती है उसके रिगार्डिंग एज पर द कॉन्सेप्ट द प्रोग्राम एंड द डेटा कुड बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी यूनिट ये कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसमें सेम मेमोरी यूनिट में प्रोग्राम और डेटा दोनों सेव होते थे तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक आर्किटेक्चर था वॉन न्यूमेन कंप्यूटर का उसकी फिगर कैसी थी तो फिगर में ध्यान रखिएगा तो सबसे पहले प्रोसेसर काम करेगा वो प्रोसेसर जो है वो कम्युनिकेशन और चैनल करेगा कम्युनिकेशन करेगा चैनल करेगा किसके साथ करेगा तो जो प्रोग्राम होगा और डेटा होगा जो स्टोरेज मेमोरी में सेव होने वाले ये सारा जो भी है वो एक साथ सेव होगा याद रखिएगा ये सारा जो भी है वो एक साथ एक ही जगह ये जो है वो दोनों तरफा होगा मतलब जो कम्युनिकेशन होगा ये प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा स्टोरेज के साथ कम्युनिकेशन भी करेगा और सेम टाइम वो इंस्ट्रक्शन भी देता रहेगा मतलब दोनों जो प्रोसेस हैं वो दोनों प्रोसेस एक साथ होगी यहाँ पर आगे देखते कि ये जो आर्किटेक्चर हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया है वो क्या कहना चाहता है यहाँ पर जो बात हो रही है वो ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू वन न्यू मैन आर्किटेक्चर द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर जहाँ कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन उसको ही प्रोसेसर डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा सिंस देर इज ओनली वन कम्युनिकेशन चैनल द प्रोसेसर एट अ टाइम कैन आईधर फैच डेटा और एन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक ही कम्युनिकेशन चैनल था सबसे पहले बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड था पहली बार हो रहा था तो उतना अपने जिसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे सारी दुनिया उसको देख सकती है ऐसा नहीं था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था सिंस देयर इज़ ओनली वन कम्युनिकेशन चैनल द प्रोसेसर एट अ टाइम कैन आइदर फैच डेटा और एन इंस्ट्रक्शन या तो वो डेटा को फैच करेगा या वो इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा दैट मीन्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आइदर द डेटा और एन इंस्ट्रक्शन कैन बी पिक्ड और फैच्ड फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट और फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेसर मतलब या तो डेटा को वो रीड करेगा या फिर इंस्ट्रक्शन भेजेगा ऐसे करके एक ही किसी प्रोसेस को फॉलो करेगा हैंस एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस इन सिक्वेंशियल मैनर द लिमिटेशन ऑफ वन न्यूमैन कंप्यूटर्स इज नॉन एज द वन न्यूमैन बॉटल लैंक ये भी याद रखिएगा कि ये जो पहले डेटा को डेटा रीड करेगा फिर इंस्ट्रक्शन भेजेगा फिर डेटा रीड करेगा फिर इंस्ट्रक्शन रीड करेगा मतलब एक प्रोसेस एक ही बार हो सकती है दूसरी प्रोसेस उसके फिनिश होने के बाद ही होगी और वो भी सिक्वेंशियल होगा जो एग्जीक्यूशन है वो सिक्वेंशियल होगा ये जो लिमिटेशन है उसको वन न्यूमेन कंप्यूटर की जो लिमिटेशन है उसको बोलते हैं वन न्यूमेन बॉटल नेक ई अब कंप्यूटर के नाम आ रहे हैं आप ध्यान रखिएगा ई डी वी ए सी ई इलेक्ट्रॉनिक डी डिस्क्रेट वी वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर डेवलप्ड इन नाइनटीन फिफ्टी टू आपको यूँ पूछा जाए कि पहला स्टोरिंग वाला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था तो ई डी वी ए सी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और ये फर्स्ट स्टोरड प्रोग्राम कंप्यूटर था जो नाइन्टीन फिफ्टी टू में डेवलप किया था अपट्टर द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ई एन आई ए सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो नाइनटीन फोर्टी सिक्स में डेवलप किया गया था इनवेंट किया था, गया था द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवड ट्रिमिटली एंड एट अ वेरी फास्ट पेस अब जो इसके बाद जो कंप्यूटर आने वाले हैं वो इसी बेसिक पर इसी बेस पर काम करके बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम आ, डिस्कस करने वाले हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या था सेकेंड जनरेशन में क्या है फर्स्ट जनरेशन में जैसे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था फिर सेकेंड जनरेशन थर्ड फोर्थ अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है प्रेजेंट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे, हैं जैसे हम बोल रहे हैं मोबाइल में टाइप हो रहा है कंप्यूटर में टाइप हो रहा है तो ये सारी आ, जो जनरेशन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा